સંઘ પ્રદેશ દાદાનગર હવેલીના સેલવાસ ખાતે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 144મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે રન ફોર યુનિટીનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. સેલવાસમાં યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં સરકારી અધિકારીઓ તેમજ યુવકોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો. गुब्बारे को आसमान में छोड़ते हैं. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. पांव नहीं मजबूर है, हम सैनिक हैं सूर साहसी, जीवन रस भरपूर, चल चला चल चल, कदम मिलाकर चल. आइए सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा की हम आदर के साथ पूरे सम्मान के साथ इधर से मतलब लोग भी इधर से जाते हैं. एक साथ ये दृढ़ संकल्प करें, दृढ़ संकल्प करें कि हम एक साथ मिलकर एकता एवं आपसी सहयोग के माध्यम से हमारे देश के विकास के लिए कार्य करते रहेंगे, यथा योग्य प्रयास करते रहेंगे. यही आज के दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि होगी. सभी मंचासीन अतिथियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की. लोग टोटल आए यहाँ पे, सबको एक टी शर्ट और एक कैप दिया गया. 3.5 किलोमीटर का एक ट्रैक था जिसपे दौड़ लगाई गई और उसके बाद सब लोगों को रिफ्रेशमेंट्स के बाद बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन बच्चों का रहा, टीचर्स का रहा, हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज का रहा और जनरल पब्लिक का भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा. तो उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ और सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना अच्छा पार्टिसिपेशन करा. यूनिटी के लिए जो दिन था इसका जो मैसेज है वो हमें अपने साथ लेकर जाना चाहिए कि राष्ट्र एक है, सब लोग साथ में रहेंगे तो राष्ट्र की उन्नति बहुत अच्छी हो सकती है और उसी के लिए हम लोगों को काम करना है. यही वल्लभ भाई पटेल जी का संदेश था और यही हमें अपने दिल में रखना. आज के दिन की तैयारी हमने 2 दिन पहले शुरू कर दी थी जिसमें कि स्कूल्स में डिबेट और पोस्टर मेकिंग कंपटीशन शुरू हो गया था. तो स्कूल में एकता के दिवस पे डिबेट और पोस्टर मेकिंग 2 दिन से चल रहा है जिसके प्राइज आज शाम को दिए जाएंगे. उसके अलावा आज एक मार्च पास सेरेमनी है जो 6 बजे होगी, जो पुलिस के अधीन होगी, और 7 बजे टाउन हॉल में एक फंक्शन होगा जहां पे भिन्न भिन्न स्टेट्स के जो कलाकार हैं, लोग हैं, वो आके उसमें प्रस्तुति करेंगे. करीब 1.5 घंटे का वो प्रोग्राम है और उसमें 9 राज्यों से लोग प्रस्तुति करेंगे. वो टाउन हॉल में होगा. मैं सबको आमंत्रित करता हूँ कि जो भी आ सकता है वो वहाँ पे आए. तो ये जो प्रोग्राम था ये जिला प्रशासन, SMC और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने और बाकी सब डिपार्टमेंट्स ने मिलकर करा है. तो उन डिपार्टमेंट्स का बहुत सहयोग रहा है और ये